نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمين يا رب العالمين آ, پچھلی دفعہ ہم نے سورة الزمر کے الفاظ دیکھ تھے. تو آج پہلا باب دیکھتے ہیں. يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا इन नहू हुल गफूर और तआला का ये फरमान मेरी जानिब से कह दो यानी ए नबी वसल्लम आप मेरी जानिब से कह दीजिए ये कुल से शुरू होता है कुल या इबादी असरफू। मेरी जानिब से कह दीजिए ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ यहाँ पर इसमें सबसे पहले या इबादी कहा गया है तो बास जो शारहन है वो ये कहते हैं कि इससे मुराद तमाम इबाद हैं ये आम लफ्स है कि यानी इसमें मोमिन काफिर सब शामिल हैं सब को एक मोमिन है और गुनेगार है तो उसको लौट आने की तरह दी जा रही है इसमें और एक काफिर है और सारी ज़िंदगी कुफ्र ही में गुज़रती चली जा रही है और वो हद से तजावज़ कर रहा है अशरफो अलाफुसिहम कुफर करके अल्लाह की हदों से तजावज़ कर रहा है या बहसीत मोमिन अल्लाह ताला की नाफ़रमानी करके अल्लाह ताला की हदों से तजावज़ कर रहा है तो सब को कहा जा रहा है ला तकन महमत ला और अल कनूत किस को कहते हैं शदीद मायूसी को कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो जाओ क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत से मायूसी बड़े गुनाहों में से है आज़मज जुनूब में से है फिर फ़रमाया कि अल्लाह ताला तो सारे के सारे गुनाह बख्श देगा इन यक़िर जनूब जमीआ सारे गुनाह बख्श देगा और अलमफ़रा मगफरा होता है ग़फ़रा ज़म्बी व तजाव जानहू कि पहले अल्लाह गुनाह को छुपा देते हैं उस गुनाह की इंसानों में माशरे में तशहर नहीं होने देते और ये देखा गया है कि अल्लाह सुबहाना बात किसी का अगर पर्दा चाक करते हैं कितने अरसे के गुनाहों के बाद तो कितनी बदनामी उस इंसान के हिस्से में आती है तो अल्लाह सुबहानता ही हैं जो हमारी जो ये इज़्ज़त माशरे में बनी होती है तो वो बना के रखते हैं क्योंकि हमारे गुनाहों को लोगों की नज़रों में से छुपा के रखते हैं और फिर ख़ुद भी उनसे तजावज़ करते हैं छोड़ देते हैं माफ़ कर देते हैं ये है मगफरत जमीआन सारे के सारे चाहे वो कितने बड़े हों कबीरा हों सगीरा हों कसरत में वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ अल्लाह सुबहान वाली उनको बख्श देते हैं माफ़ कर देते हैं एक हदीस का मफूम है कि नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एबन आदम अगर तू ज़मीन भर गुनाहों के साथ भी मुझे आकर मिले और मेरे साथ तूने किसी को शरीक ना किया हो और मुझसे मकफ़रत तलब करे तो मैं तेरे सारे गुना माफ़ कर दूँगा अच्छा अब ये जो आयत है ना ये जो इंतहाई उम्मीद अफजा आयत है ये उन लोगों के लिए है जो तोबा करते हैं जो अपने गुनाहों से तोबा करते हैं जो तोबा नहीं करते उनके लिए जो आयत है ना वो है सूरत आया फोर्टी की इला यक़ फ़ 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 फ़िर अं यशर कभी ही व यग फिरु मादू यशा क्या मतलब है इसका कि बेशक अल्लाह ताला नहीं माफ़ करेगा नहीं बख्शेगा इस बात को कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए उसके अलावा जो गुनाह हैं जिसके चाहे माफ़ कर दे और क़यामत के दिन ये भी होगा कुछ गुनागार ऐसे भी माफ किए जाएंगे कि जिन्होंने गुनाहों से तोबा नहीं भी की होगी और ये अल्लाह ही जानता है कि वो कौन लोग होंगे कि अल्लाह ताला उनको किस वजह से उनकी किसी ख़ास किसी और ख़ूबी की वजह से या अपनी रहमत की वजह से या शफात की वजह से अल्लाह सुबहान उनको माफ़ कर देंगे लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा न करे क्योंकि गारंटी जो है वो ताइबीन को ही दी जा रही है कि अल्लाह इनल्लाक फिर जुनूब जमीआ ये गारंटी सिर्फ़ तइबीन के लिए है गैर गैरताइबीन जो है ना जो तोबा नहीं करते उनके लिए है कि अल्लाह जिसका चाहेगा माफ़ करेगा और जिसको चाहेगा पकड़ेगा जिसको चाहेगा उसको सज़ा भी देगा फिर इसी तरह से ये एक बहुत बड़ी आ, उम्मीद दिलाई जा रही है और इंसानों के अंदर अगर होप ना हो उम्मीद ना हो कि अल्लाह तमें बख्श देंगे हमारे गुना माफ़ हो जाएंगे हमारे माजी को नहीं आ, हमारे बै, बैगेज बना के हमारे साथ नहीं रखा जाएगा तो ये जो उम्मीद है ये इंसान को आगे बढ़ाती है ये इंसान को अल्लाह ताला के करीब करती है और उसके बरक्स जब इंसान मायूस हो के नहीं फिर मेरे तो गुना माफ़ी कोई नहीं होने तो फिर कम अज़ कम मैं अब दुनिया तो इन्जॉय करूँ ना तो ये एक बहुत बड़ा एक इस्लाम का एक ये आ, है हमारे ऊपर एहसान अल्लाह सुबहाना का हमारे ऊपर एहसान है कि हर नबी हर रसूल ने अपनी हट धर्म से हट धर्म कौम को भी सबसे पहले क्या कहा है कि ए मेरी कौम अल्लाह से तोबा और इस्तार करो अल्लाह ताला तुम्हें बारिशें बरसाएगा तुम्हें औलाद देगा तुम्हारा नंबर ज़्यादा करेगा तुम्हारी ज़मीन ख़जाने उगलेगी तुम गुनाहों से तौबा कर लो तुम इस्तार कर लो तो लिहाजा इसतफ़ार जो है और अल्लाह ताली से गुनाहों से माफ़ी मांग लेना जो है ये इंसान के सारे के सारे गुनाह माफ़ करवा देता है फिर इसी तरह से इस आयत के अंदाज़ बयान से ये भी मालूम हो रहा है कि ये किसी सवाल के जवाब में नाजिल हुई है और उन लोगों के लिए पैगाम उम्मीद लेकर आई है जो दौरे जाहिलियत में कत्ल जना चोरी डाके और ऐसे ही सख्त जराइम में मुब्तला रह चुके थे और बाज़ रवायात में आता भी है कि कुछ लोगों ने पूछा भी था जैसा कि आगे हम पढ़ने लगे हैं कौल हद्दनी इब्राहिम अबनू मूसा कौल अखबर ना हिशाम अबन यूसफ़ अन् नब न अखबर हम

तो ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए फ़कालू तो उन्होंने कहा इ लजी तक व तद ही लहसन कि आप जो कुछ कहते हैं और जिस चीज़ की तरफ़ दावत देते हैं यकीनन वो बहुत अच्छी है लहु तुख बिरुना <कालगा> अन लिमा अमिल ना कफ़्फ़ारता लेकिन अगर आप हमें इस बात से आगाह करें कि जो कुछ हम पिछली ज़िंदगी में करते आए हैं तो क्या उसका कोई कफ़ारा है क्या वो यानी काबिल माफ़ी गुना है फ तो नाजिल हुई ये आयत, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون सूरह फुरकान की ये आयत व नज़ला और नाजिल हुई قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله سورة الزمر آية 53 اس آية کا ये मतलब हरगिज़ नहीं कि अल्लाह ताला की रहमत और मगफ़रत की उम्मीद पर इंसान गुनाह दर गुनाह करता चला जाए और गुनाह के साथ साथ अल्लाह ताला की रहमत और मग़रत की उम्मीद भी रखे हट धर्मी के साथ किया हुआ गुनाह जो है वो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है तो बहरहाल अल्लाह ताफ़ करते हैं उसकी दो शराइत हैं एक तो उसकी तरफ़ रजू किया जाए और दूसरे उसकी इतात शुरू कर दी जाए ठीक है फिर अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ी का आम होता है और तौबा की शराइत इससे पहले मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि नंबर एक अखलासल्ला तौबा करें आप अल्लाह के लिए करें कोई इंसान शराब छोड़े तो इसलिए ना छोड़े कि डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अब आपका लिवर मज़ीद इसको नहीं ले सकेगा अल्लाह ताला की खातिर गुनाह छोड़ा जाए कि अल्लाह को नापसंद है ये गुनाह है नंबर दो अपनी गुजिश्ता मासीत पर नाफ़रमानी पर नदामत नंबर तीन अपने आप को आइंदा उस मासीत से रोकना उस नाफरमानी से रोकना और अगर कोई हुकूकुल इबाद में कोई गड़बड़ हुई हुई है तो फिर उसको दुरुस्त करना किसी का हक अगर आपने मारा हुआ है तो उसका हक उसको अदा करना और नंबर चार इस बात का आजम पुख्ता इरादा कि दोबारा मैंने इस तरफ़ नहीं जाना दोबारा मैंने ये काम नहीं करना ठीक है और पांचवी एक और शर्त भी लगाई जाती है कि तौबा उस वक्त की जाए जबकि अभी तौबा का वक्त मौजूद हो कबूलियत तौबा की घड़ियां ख़त्म ना हो चुकी हों वो कौन सी घड़ियां हैं जो जब ख़त्म हो जाती हैं इलाज वजलाक़बलू तोबतबी मालम युर गिर जल अपने बंदे की तोबा उस वक्त तक कबूल करते रहते हैं जब तक कि उस पर गगरा का आलम यानी नज़ा का आलम तारी नहीं हो जाता फिर इसी तरह से सूरत आया एटीन में अल्लाह सुबह ना फ़रमाते हैं वलई सतबल यामलून सती हत्ता हत इदरादलम कौला तोबा उन लोगों के लिए नहीं है कि जो सारी ज़िंदगी बुरे काम करते रहे यहाँ तक कि जब मौत सामने आ गई तो कहने लगे कि मैं अब तोबा करता हूँ ठीक है और ये तो यानी बिलखसूस एक इंसान की है ना कि फ़लाँ शख्स जो है वो मरते वक्त नज़ा के आलम के वक्त तोबा करता है तो, तो तौबा कबूल नहीं होती लेकिन आम तौर पर जनरली जो लोग हैं किसी ज़माने के वो ये हैं कि वो जो है सूरज मगरिब से निकलने से पहले पहले इंसान को तोबा कर लेनी चाहिए कि ये जो मेन अशरातुलसआ हैं जब ये आ जाएंगी तो फिर इंसान की तोबा भी कबूल नहीं होगी जैसा कि हमें अबू दाऊद की सही हदीस से पता चलता है बाबू कौलि बम कदर अल्ला हकरी ही अल्लाह सुबहान ते फ़रमान उन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जो उसकी क़दर करने का हक था और इस आयत की मुकम्मल जो तर्जुमा है वो इस तरह से है कि कयामत के दिन सारी ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके दाएं हाथ में लिपटे होंगे वो इन बातों से पाक और उस शिरक़ से बाल तर है جو قال حدثنا ادم قال حدثنا شيبان عن منصور عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيروايت روایت ہے وہ کہتے ہیں جاء آيا حبر من الاحباري علماء میں سے ایک عالم بڑا عالم حبر بہت بڑا عالم گہرا عالم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़काला तो उसने कहा या मोहम्मद ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना न बेशक हम पाते हैं यानी अपनी किताब में तौरात में अन्नल्लाह तोरात मेंजमावाती अला इस्साइन के अल्लाह ताला रख लेगा आसमानों को अपनी उंगली पर एक उंगली पर वल वलअरदीन अला इस्बाइन और ज़मीनों को एक उंगली पर व शजर अला इस्बाइन और दरख्तों को एक उंगली पर वलमा व सरा अला और दरियाओं और समंदरों को एक उंगली पर वसा वसाल कि अला इस्बाइन और दीगर तमाम मखलूक़ात को एक उंगली पर सुबहान्ल फ़ैक़ूलू फिर वो फरमाएगा अनल मलिक, मैं हूँ बादशाह फ़दकन नबी यू सल्ह वसम्म तो हंस दिए नबी सल्ल वस बदत नवाज़हू यहाँ तक के आपके नवाजि यानी जो दांत हैं वो दिखाई देने लगे तसदीक़ल़लहब्री और यह हंसना जो है ये यह उस यहूदी आलिम की तस्दीक के लिए था कि तुमने ठीक कहा सुसोल्ला सम फिर ये आयत तिलावत फरमाई रसूल वसल्लम ने वमा क़दर अल्ला कदरी ही और उन लोगों को जैसी क़दर अल्लाह ताला की करनी चाहिए थी तो उन्होंने नहीं की अब आपने अकीदा पढ़ रखा होगा कि वल जमाअ का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला की जिन सिफ़ात का ज़िक्र कुरान हदीस में है जैसा कि इस आयत करीमा में हाथ का इस बात है और इस हदीस में उंगलियों का इस बात है ठीक है तो अब ये हमने कैसे मानना है बग़ैर किसी तकहीफ़ के यानी हमने नहीं पूछना कि इसकी क्या है उंगलियाँ कैसी हैं ना नाउज़ुबिल्ला हमारे जैसी नहीं है ठीक है ना तकीफ करनी है ना तहरीफ करनी है यानी बात को चेंज भी नहीं करना हमने उंगलियों को या हाथ को अल्लाह ताला की क़वत और कुदरत करार नहीं देना ठीक है तो ना तकीफ करनी है ना तहरीफ करनी है ना ही तमसील करनी है कि जैसे हमारी उंगलियां तो वैसे नाउजुबिल्ल अल्लाह की उंगलियां। तो ये चीज़ें जो हैं और ना ही तावील करनी है ना तशबी देनी है किसी किस्म की कोई मुशाबत है ही नहीं लई सकम इसलिए अल्लाह जैसी कोई चीज़ है ही नहीं तो फिर ये तमसील तो हो ही नहीं सकती ठीक है हम तमसील कर ही नहीं सकते तो जैसी बात फरमाई गई है उस पर ईमान रखना जरूरी है ठीक है क्योंकि यहाँ पर इन हकायक को इस दुनिया में समझना हमारी जो कुत है हमारी जो फैकल्टीज हैं उनके बस से बाहर है और रसोल्ला सल्ला वसलम का मुस्कुराना जो है ये आपकी एक तरह से तकरीरी आपकी हदीस हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो गलत बात कहता तो उसकी ज़रूर तस्हीह फरमाते तो आपका मुस्कुराना तस्दीक थी उस यहूदी आलिम की जो उसने कही और इसकी मज़ीद तफसील किताब तौहीद में दोबारा भी आएगी अब यहाँ पर जो अल्लाह सुबहान का ये फ़रमान है वमा कदरल हक्र ही और उन्होंने कदर ही नहीं की अल्लाह की जैसा कि हक था उसकी क़दर का यानी उसकी ताज़ीम नहीं की जिस तरह से कि हक़ था उसकी ताज़ीम करने का और कहाँ कमी की इंसानों ने अल्लाह ताला की ताज़ीम में जब उन्होंने अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक ठहरा लिया और इसीलिए इस आयत के आखिर में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं तआला अम्मा युशरिकून वो पाक है और बाला बर्तर है उन चीज़ों से उन हस्तियों से जो तुम उसके साथ शरीक ठहराते हो तो जब कोई भी अल्लाह ताला के साथ किसी और मखलूक को शरीक ठहराता है तो वो अल्लाह ताला की नाकदरी करता है और अगर वो अल्लाह की कदर करता जैसा कि हक था उसकी कदर करने का तो वो मखलूक में से किसी को अल्लाह तध या शरीक ना बनाता फिर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉमेसन के तौर पे आपको बताना चाह रही हूँ ये जो है जा अब्र मिनल अखबार हब्र कहते हैं ऐसा आदमी जो वा सेम हो बहुत वसी इल्म वाला इंसान ठीक है और फिर इसकी जो इसके मानी में एक और जो बात कही गई है के गोया के वो बहर की तरह है यानी समंदर की तरह है अब आप देखें कि बहर और हब्र इनके वर्ड्स अल्फाज जो हैं यानी हरूफ जो हैं वो एक ही हैं बाहरा और हाब सिर्फ उनकी तरतीब चेंज हुई हुई है तो अरबी जबान में जहाँ हरूफ वही हों और तरतीब चेंज हुई हो तो मानी में कुछ ना कुछ मुमासिलत या एक मानी दूसरे को इनहेंस कर रहा होता है और इसको कहते हैं अल अल इश्तिकाकुल अकबर इश्तिकाकुल अकबर बहर और हबर ठीक है वाहिद एक ही तरह के हरूफ और तरतीब मुख्तलिफ इसको अल इश्तिकाकुल अकबर कहा जाता है ठीक है फिर एक इश्तिकाकुल असगर भी होता है ठीक है और उसमें यह है कि जैसे हबर ही हो लेकिन उसके मुख्तलिफ मानी किए जाएँ बाहर ही हो लेकिन उसके मुख्तलिफ मानी किए जाएँ अरबी ज़बान यूँ ही नहीं अल्लाह सुबहान ने चुनी अपने क़ुरान के लिए बहुत वसत है इसमें यह भी अल्लाह ताला का एक चलता फिरता ये अल्लाह ताला की एक निशानी है ये ज़बान जो है ना इस दुनिया में इस जैसी कोई ज़बान नहीं इस जैसी बलागत इस जैसी वसत रखने वाली कोई ज़बान नहीं बाबू कौली ही वल अर्द जमीन योमल क्यामती व समावातु मकबी या तुम सारी जमीन कयामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके दाएं हाथ में लपेटे हुए होंगे قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابي سلمة

सुम यकूल फिर फरमाएगा अनल मलिक मैं हूँ बादशाह आीना मलूक अर्द कहाँ हैं ज़मीन के बादशाह सुबहानल्ला इस सवाल से ही ज़मीन के बादशाह थर थर काँप जाएंगे कोई कुछ बोलने का जरूरत नहीं कर सकेगा और ये कयामत के दिन होगा और यहाँ पर इस हदीस में एक तो ये कि अल्लाह ताली के लिए यमीन का इस बात है ठीक है दाएं हाथ का और एक और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ दाहने हैं और यही अकीदा सलभ सलिन का है कि एज़ इट इज़ जैसे फरमाया ये यद जो है ये हाथ जो है ये हकीकी है ठीक है और इस हकीकी हाथ से अल्लाह सुबहान ने इन आसमानों को स्क्रोल जो है ना की तरह लपेटना है यौमनत व समाआ कतई यजिल लिलकुतुब इस तरह से आता है ना जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे लपेटा जाता है कागज़ लिखने वाला तो इसमें किसी किस्म की तकजीफ तारीफ तमसील तातील ये चार अल्फाज आपने याद रखने हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि अक़ीदा पढ़ने के बाद आपको ये अल्फाज याद भी होंगे ठीक है तो ये चारों चीज़ें हमने नहीं करनी कैफियत क्या है या हम कोई चेंज कर लें उसके मानी को ठीक है ये हमें इसकी इसका हक हाँ नहीं है ना कैफियत का सवाल करना है ना मानी चेंज करना है ना डिनाई करना है तातील कहते हैं डिनाई करने को ना ही डिनाई करना है ठीक है और ना ही उसकी कोई मिसाल बयान करनी है इसलिए कि लईसा कमस्य और ये ऐसी दहशत इंसान के ऊपर बिठा देने वाली ये हदीस है अगर हम इसको इंटरनलाइज़ करें जब अल्लाह ताला पूछेंगे तो हर वो इंसान कि आज मैं बादशाह हूँ कहाँ है ज़मीन के बादशाह तो हर वो इंसान जिसने अपनी दुनिया में अथॉरिटी मिस की है जिसने अथॉरिटी पाकर लोगों पर जुल्म किए हैं लोगों से झूठ बोले हैं लोगों का माल हड़प किया है तो उन सब के लिए बहुत बड़ा ये लम्हा फ़िक्रिया है कौन हो सकता है कि जो उस उठ के तन के कहे कि हाँ मैं हूँ ज़मीन का बादशाह कौन सी ज़मीन के बादशाह हो अब तुम कौन सी ज़मीन अब बाकी रह गई है कौन सी सल्तनत अब तुम्हारी बाकी रह गई है हर चीज़ फ़ानी है इस दुनिया में सिवाय अल्ला सुबहान जात कुल्लू मन अलह फ़ान व वब का वजहू रब्बिकुल जला वाल्राम हर चीज़ फ़ानी है सिवाय अल्लाह की व लिहाजा इस दुनिया में ही डर के ज़िंदगी गुजार लें इस दुनिया में ही अल्लाह ताला की इतात और फरमा बरदारी में आजी और इनके सारी के साथ जिंदगी गुजार लें बाबू कौली व नफी खफिस सूरी फसायन समावा अल्लाह अल्लाह सुबह न फरमान और जब सूर में फूका जाएगा तो जो भी आसमानों और जमीन में मौजूद मखलूक है सब बेहोश हो जाएंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे आया सिक्सटी एट अब सूर जो है ना, इसके बारे में यहाँ पर तो हमें ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे सूर दो मरतबा फूका जाएगा वनफी खाफिस सूर फ़साइ मनफमावा वनफरदी मन अन मन शाह खफ़ी ही उखरा फ़ैज़ा हम क़िया यह अज़मर आया सिक्सटी एट जो पूरी पड़ी अब मैंने ठीक है तो एक सूर फूँका जाएगा तो बेहोश हो जाएंगे सारे अल्ला माशा और दूसरा जब सूर फूँका जाएगा दूसरी मरतबा तो लोग उठ के खड़े हो जाएंगे और देखने लग जाएंगे ठीक है अब बाज़ बाज़मा ने कहा है सरा नमल से उन्होंने ये डरव किया कि नहीं सूर एक तीसरा भी है और जिसका जिक्र सराः नमिल में है आया एटी सेवन में युन फ़कोफ़ सूरी फ़ज़िया मनफ समावाति व मनफ़िल अर्दी अंशा अल्ला एक तो बेहोशी का सूर है एक क़याम्धरून का सूर है जिसका अज़ुमर में ज़िक्र है और एक फ़ा घबराहट का भी सूर है कि जिस दिन फूंका जाएगा तो उस दिन घबरा उठेंगे हर वो मखलूक़ात जो आसमानों और ज़मीन में है इल्ला माशा अल्ला तो या तो तीन है बाज़ुलमा ने कहा कि तीन है नफ़ ख़तलफ़ा यानी घबराहट वाला नफ़ा नफ़ा मीनिंग सूर में फूंका जाना नफ़ यानी बेहोशी का और तीसरा व नफ़ ख़तुलबासी ज़िंदा होने का और दूसरे जो उलमा हैं और जो ज़्यादा बात है ज़्यादा दुरुस्त बात है वो ये है कि ये दो ही हैं और ये जो पहला नफ़ा है ना, पहला सूर उसमें फ़ज़ा और साक दोनों मिले हुए हैं यानी पहले इंसान घबराएँगे और फिर बेहोश हो जाएंगे और फिर उसके बाद वो आ, जो है वो उठ के खड़े होंगे जब दोबारा सूर में फूंका जाएगा والله أعلم. الله به ترجمته. قال حدثني الحسن قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا عبد الرحيم عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني من أول من يرفع رأسه बाद बादल आखिर सुबहानल्ला नबी सल्हसम ने फ़रमाया आखिरी मर्तबा सूर फूँके जाने के बाद सबसे पहले अपना सर उठाने वाला मैं हूँगा फ़ा अनबी मूसा मुत्कुम बिल अरश और जब मैं सर उठाऊँगा तो मैं देखूँगा कि मूसा सलाम अर्श के साथ लिपटे हुए यानी वो तो मुझसे पहले होश में आए फ़ला अदरी मैं नहीं जानता अकज़ाली का कहाना कि वो पहले ही इसी तरह थे यानी उनको बेहोशी तारी ही नहीं हुई अम बान नफ़ा या फिर वो नफ़ा के बाद वो बेहोश होकर मुझसे पहले उठ गए हैं ठीक है तो एक और रिवायत में है यही फ़रमाया आप अलैहि वसल्लम ने कि अब मुझे नहीं मालूम कि मूसा सलाम भी बेहोश होने वालों में होंगे और मुझसे पहले उन्हें होश आएगा या अल्लाह ताला ने उन्हें उन लोगों में रखा है जो बेहोशी से मुस्तना है ये भी सही बुखारी ही किताबुल रसूमात की रिवायत है और बाज़ रवायात में ये भी है कि कोहितूर पर जो उनको अल्लाह ताला की तजली देखने पर मूसम जो बेहोश हुए थे तो वही काफ़ी समझी जाएगी इसलिए वो बेहोश नहीं होंगे वो उनमें होंगे जो बेहोश नहीं हुए और सूर फूकने वाले कौन हैं सूर फूकने वाले इसराफील इस है और आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तहज्जुद की क़यामुल लैल की जो रकतें होती थी उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए इस्तिफ्ताह में ये दुआ फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्राईल व मीकाईल व इसराफील ये सही मुस्लिम में ये मौजूद है तो उलमा कहते हैं कि ये तीन फरिश्ते जो ख़ास किए गए हैं और इनका अक्सर नाम हम सुनते हैं इकट्ठा आता है इसलिए कि ये मलातुलहया हैं ये ज़िंदगी के हयात के ज़िंदगी के मलाइका हैं कैसे अलैहिस्सलाम वही लाते हैं जो कि इंसान के दिलों इंसानों के दिलों को ज़िंदगी बख्शती है इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो लोगों के मुर्दा जिस्मों को ज़िंदगी मिलेगी और उलमा ने यह भी कहा है कि जब वो सूर फूंकेंगे तो उस सूर के अंदर से रूहें निकलेंगी और रूहें निकल निकल के अपने अपने जिस्मों तक आलम और फिर मिकाई अलैहिस्सलाम ये हैं इंसानी जो ज़िंदगी है और जो ज़मीन की ज़िंदगी है और ज़मीन पर इंसानों की ज़िंदगी है उसकी ज़मानत देते हैं इसलिए कि वो आ, ये सारी नबतात उगाना और बारिशों का बरसाना तो वो हयातुल अर्द पर वो किए गए हैं मुतन उनका तयन किया गया है और इसीलिए कहा जाता है कि सूर जो है वो वह सलाम फूकेंगे और फिर यह है कि वो हाम अरश फ़रिश्तों में से भी हैं اسرافيل علیہ السلام جو هديسه یہ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين أربعون ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے दोनों नफ़ों में चालीस का फ़ासला होगा कलू लोगों ने कहा या अबा हुर ए अब हुररा अरबाऊन यूमन चालीस दिन कला अबै तो उन्होंने कहा मैं नहीं कह सकता मुझे पता नहीं है कला अरबाऊन सनतन लोगों ने पूछा तो क्या चालीस साल कला अबै तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं कला अरबाऊन शहरन लोगों ने पूछा अच्छा तो चालीस महीने कला अबै तो तो उन्होंने कहा कि मैं ये भी नहीं कह सकता वह जाएगी इंसान की हर चीज इल्ला अजब जन अभी ही सिवाय उसकी रीढ़ की हड्डी के सिरे के फी ही यबुल खल और इसी से तरकीब खल़ होगी सबसे पहली बात अबू अब हरे रहा का जो एहतियात का एक लेवल है कि एक चीज़ जो है अगर उसके बारे में वो शोर नहीं है तो लोग बार बार पूछ रहे हैं हदीस के बारे में कोई तीर तुक्का ना उन्होंने चलाया ना वो लोग चलाया करते थे और इसमें अगर हम अपने आप को देख लें आज तो किस तरह इतनी बेएहतियाती से किसी भी बात को हदीस गर्दान कर और नीचे उसके कहीं झूठा रेफ़रेंस भी तो लिख दिया जाता है कभी कभी बुखारी लिखा हुआ होता है कभी मुस्लिम लिखा हुआ होता है और उसके बाद उसको वायरल किया जाता है पता नहीं वो कौन सा एजेंडा है कि जिसको फुलफ़िल करना होता है जिसको पूरा करना होता है और उसमें बहुत ज़्यादा हमें एहतियात की ज़रूरत है कि एक तवातुर से जो हदीस नकल हुई है वो ये है मनकज़ब अलय मतमदन फलियत बकादहु मिनन मिनन्नार कि जो मुझ पर जान झूठ घड़े तो वो अपना ठिकाना आग में बना ले तो अबू हरेरा अन्हु की ये जो एहतियात है एक तो हमें इससे सीखना चाहिए दूसरी बात ये जो अजब जनाबी ही अजब जनब है ये क्या है तो आ, एक और रिवायत में है कि लोगों ने अजब जनब के मुतालिक सवाल किया कि ये क्या है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया वो राई के दाने के बराबर होता है और इब्न हजर लिखते हैं कि यह भी अल्लाह का एक राज है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता क्योंकि जिस तरह अल्लाह ताला ने उठाना है तो अल्लाह ताला तो वैसे भी उठा सकते हैं आप देखिए इसी तरह जैसे इंसान को अल्लाह ताला पैदा करते हैं तो अल्लाह ताली कलम कौन से भी तो इंसान दुनिया में भेज सकते हैं ना लेकिन अल्लाह ताला एक ने एक तरीक़ा बनाया है एक फ़िज़िकल तरीक़ा बना कर दिखाया है कि इस तरह बच्चा पैदा होता है और वही तरीक़ा जो है उससे कोई चीज़ आगे पीछे नहीं होती और एक फ़िज़िकल कवानीन है जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाए हैं वो हमारी ज़िंदगियों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए वरना अल्लाह ताला को इन फिज़िकल कवानीन की कोई ज़रूरत नहीं थी तो ये भी एक कानून है अल्लाह ताला ने जो बनाया है जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ख़्याल आ रहा था कि हो सकता है कि किसी न किसी दिन ये भी हम हर वक्त जो देखते हैं कि रिसर्च और साइंस में ऐसी ऐसी चीज़ है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पेशिन गोईयाँ हैं और जो कुरान और हदीस में बातें हैं वो प्रूव होती चली जा रही हैं तो यहाँ पर भी आप देखिए कि हो सकता है किसी दिन को यही हो जाए कि ये जो एक राई के दाने के बराबर कोई चीज़ है ना आप देखिए बच्चा भी जब बनता है तो क्या वो राई के दाने से भी छोटा होता है वो एग और वो स्पर्म के जिससे वो बच्चा वजूद में आता है तो इसी तरह से इससे इसके अंदर इंसान का सारा डीएनए है आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि यह सब कुछ आ, किस तरह से होना है ये भी उन्होंने लिखा है हाफिज़ इब्ने हजर अल हजरानी रहा ने कि आ, हो सकता है कि फ़रिश्तों की पहचान के लिए इसे बतौर अलामत बाकी रखा जाए ताकि वो इंसान को उसके जौहर से मालूम करके रूह को दोबारा इसमें लौटा सकें वल्लाहु आलम अगली बात यह है के अंबिया के पाकिज़ा जिसमों को ज़मीन नहीं खाती वो इससे मुस्ना है, ठीक है उनकी जो है ना ये अजब जनब वो नहीं होगी वो उनके पूरे अपने जिसम ताजा जैसे हैं वैसे ही मौजूद रहेंगे फिर इसी तरह से शहदा जो अल्लाह के यहाँ बाकायदा शहदा गर्दाने जाते हैं उनके जिसमों को भी मट्टी नहीं खाती और इस तरह की कई एग्ज़ाम्पल्स हैं कई एग्ज़ाम्पल्स हैं इस तरह की इस दुनिया में सैदुलशहदा हमज़ा रदील तों की कबर आ, को मूव करना पड़ा तो उस वक्त कई सालों के बाद उनकी बिल्कुल वैसी की वैसी उनके जिस्म से खून बह रहा था फिर इसी तरह से मज़ीद भी कई एग्ज़ाम्पल्स हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला और हुजैफा बिन यमान की एग्ज़ाम्पल है इराक़ की कि जब वो हज़ैफ़ा रदी आते थे बार बार बादशाह वक्त के ख़्वाब में फिर मुफ्ती आजम के ख्वाब में और फिर वो उनकी जो आ, खोली गई उनकी कब्रें के पानी आ रहा है हमारी कब्रों में और फिर उनको वहाँ से मूव किया गया और नए उनके कब्रें बनाई गई और इसके ऐनी शाहिदीन जो हैं वो मौजूद हैं दुनिया में इस वाक़े के कि जिन्होंने इसको अपनी आँखों से देखा और कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिन्होंने उस सारी चीज़ को मैनेज करने में भी अपना हिस्सा डाला था कि वो वहाँ पर तैनात थे उस मौके पर तो वो भी थी फिर इसी तरह से आम सोलह की कब्रें भी जो है ना ज़ात वो अल्लाह बेहतर जानता है कई ख़वान की कब्रें कई मर्दों की कब्रें ऐसी, ऐसी ऐसी मिलती हैं कि जो कई कई सालों के बाद किसी वजह से खोलनी पड़ जाती हैं कि पानी आ रहा है तो कोई शिफ्ट करनी पड़ती हैं तो लोग तो इसी इसी उससे खोलते हैं ना जहन के साथ कि अब तो गली सड़ी हड्डियां होंगी उसके अंदर लेकिन कई दफ़ा उसके अंदर से पूरी की पूरी वो बॉडी अन जो है वो निकलती है और ये सब अल्लाह ताला के राज हैं ये सब अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं जब चाहे मिट्टी को कहे कि इस जिस्म को खा जाओ और जब चाहे मिट्टी को कहे कि इस जिस्म को तुमने टच नहीं करना अल्लाह अच्छा फिर एक ज़ीफ़ हदीस है इब्न अब्बास रदीमा की तरफ उसको लिया जाता है मंसूब के जिसमें यह कहा जाता है कि ये जो बार बार पूछा गया ना अरबाउन के दिन हैं या साल हैं या महीने हैं तो उसमें आता है कि चालीस साल का अरसा है अल्लाह आलम अल्लाह के सिवा कोई इस बात को आ, नहीं जानता वसूख के साथ सूरतमिन सूरतमिन क़ाल मुजाहिदन हामीम मजाजु हा मजाजु अवास्वर व यु कलु बलह इसमन लकौली शरा हिब्न अबी अवफ़ल अब युज़क रुनी हामीम मवरुन खुशा जरुन फ़हल्ला तला हामी मकबल तकदमी मुजाहिद ने कहा हामीम इसका हुक्म वही है जो सूरतों के शुरू में आने वाले हरूफ़ मुकतात का हुक्म है यानि अल्ला ही इसकी मुराद को जानता है और बारह ये जिक्र हुआ कि ना ये नबी सल्ला वसलम के नाम है ना ही ये अल्लाह ताम है इनका मानी बताया भी नहीं गया और सबसे राजय जो है वो ये है कि हरूफ हिजाया हैं कि इन्हीं से कुरान लिखा गया है अरबी की फसाहत व बलागत के तुम माहिर हो और ये हरूफ हजी हैं लिख लो तुम भी लिख लो इस जैसा कलाम तो ये एजाज़ है कुरान का असल में जो ये हरूफ मुक़ात हैं बाज ने कहा ये सूरतों के नाम हैं जैसा कि श्रै बिन अबी अवफ़ा अबसी के इस शेर से मालूम होता है वो मुझको हामीम याद दिलाता है जबकि नेज़ा चलने लगा है लड़ाई में आने से पहले ही उसने हामीम क्यों ना पढ़ी अब क्या है इसकी बैकग्राउंड है शेर की जंग जमल जो कि एक हादसाती तौर पर वो जंग जो है वो हो गई अली रदील्ला तैं और आयशा रदील तह के दरम्यान इस जंग में ये जो शराह हैं ये रदीलान्हों के साथ थे और जो मोहम्मद बिन तलहा बिन अबैदल्ला तलहा बिन उबैदुल्ला अशरअ मुबशरा में से हैं रदी उन्हों और उनके बेटे मोहम्मद बिन तलहा बिन उबैदुल्ला ये आयशा रदी के साथ थे मोहम्मद बिन तलहा बिन उबैदुल्ला ने उस दिन काला कालाह अमामा पहन रखा था अली रदील अनहों ने अपने लश्कर के लोगों को कहा कि स्याह अमामे वाले को तुम लोगों ने कत्ल नहीं करना ये मजबूरन आया है उस लश्कर में अपने वालिद की मजबूरी की वजह से अपने वालिद की वजह से वरना इसको तुम लोगों ने क़त्ल नहीं करना अब जब वो सामने आए शुरह के और फिर यह है कि अगर आपने सीरा पड़ी हो तो हर जंग की एक बैटल क्राई हुआ करती थी गजवाए उहद की गजवाए बदर की गजवाए खैबर की कहीं अहद है तो कहीं कोई और है तो बैटल क्राई हुआ करती थी और इधर हज़रत अली हज़रतली रदीला का के जो कैंप है इनकी बैटल क्राए कहते हैं कि हामीम थी तो मोहम्मद बिन तलहा बिन उबैदल जब आए हैं शुरह के सामने तो उन्होंने हामीम कहा है यानी मैं तो आप लोगों का साथी हूँ तो शुरह ने कहा कि अब तुम मुझे हामीम की याद दिला रहे हो जबकि अब जंग शुरू हो चुकी है पहले क्यों ना हामीम पढ़ी और उन्होंने मोहम्मद बिन तलहा बिन उबैदल्ला को क़त्ल कर दिया तो फिर इसी तरह से यह भी कहा जाता है कि उन्होंने जो हामीम कहा था तो उसका मतलब ये था कि वो सूरा यानि सूरतमिन जिसके अंदर ये आयत आती है अत्तुलून रजुलाक़ूल रबी अल्लाह कि तुम एक आदमी को इसलिए कत्ल करते हो क्योंकि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है तो इनडायरेक्टली वो उनको ये सुझा रहे थे मोहम्मद बिन तलहा बिन तलाबैदल शुरह को ठीक है अल्लाह आलम अतौली तौली तौल के मानी हैं एसान करना और इनाम करना दाखरना खादीना दाख्रेन से मुराद जलीलो ख़्वार होना है वक़ाल मुजाहिदन इला नजाती मुजाहिद ने कहा अल नजाती के मानी अल ईमान है यानी मैं तुम्हें ईमान की दावत देता हूँ यानी ईमान है जो इंसान की निजात का बास बनती है लई सल उ यानी यानि अलवसना लई सलह उ यानी यानि किसी की दुआ कबूल नहीं कर सकता युस जरून तो कदुब ही मुन्नार युस जरून के मानी है वो दोज़ का ईंधन बनेंगे तम रखून तब करूना وكان العلاء بن زياد يذكر النار فقال رجل لم تقنط الناس قال وانا اقدر ان اقنط الناس والله عز وجل يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ويقول وان المسرفين هم اصحاب النار

उन्होंने कहा मेरी क्या ताकत है कि मैं लोगों को मायूस करूं जबकि अल्लाह ताला का इरशाद है ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना उसके साथ अल्लाह ताला यूं भी फरमाता है कि बिलाशुबा हद से बढ़ने वाले दोजखी हैं लेकिन तुम ये चाहते हो कि बुरे काम करते रहो और जन्नत की खुशखबरी भी तुम्हें मिलती रहे अल्लाह ताला ने तो वसल्लम को इसलिए भेजा है कि वो इतात गुजार को जन्नत की बिशारत दें और ना फरमान को जहनुम से डराएं तो ये एक बैलेंस है ना इंज़ार और तबशीर दोनों हैं रसोल्ला अलैहि वसल्लम की तलीमत में और इंसान को चाहिए कि जब भी वो कुरान की तालीम दे तो वो दोनों उसलूब जो हैं उनको साथ, साथ रखे ठीक है इसीलिए यह है ना बैनल अखौफ ही वर रिजा रहना चाहिए ना खौफ और उम्मीद के दरमियान दरमियान ना इतना इस तरह पढ़ाएँ कि खौफ ही खौफ आए बस और ना इस तरह पढ़ाएँ कि बस उम्मीदें ही उम्मीदें उजागर होती चली जाएं तो इसमें बैलेंस रहना चाहिए और बाज़िल ने तो ये भी कहा है कि बिल्कुल एक जितना होना चाहिए किसी भी चीज़ को एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम उसको नहीं होना चाहिए एक दूसरे से एक से बढ़कर, ठीक है आ, खौफ और उम्मीद में से क्योंकि बहुत ज़्यादा खौफ होगा तो मायूसी पैदा होगी और अगर हर वक्त सिर्फ जन्नत की ही बातें होती रहेंगी तो उनके अंदर इतनी उम्मीद पैदा हो जाएगी कि अल्लाह ताला का जो पकड़ है अल्लाह ताला की वो जो है ना अफा अमीन में मकर इस तरह से आता है ना तो वो अल्लाह ताला का जो ये इस तरह की जो प्लानिंग है कि जो उनकी पकड़ करती है तो उससे वो बिल्कुल अमन में हो जाएंगे और इमाम अहमद रह फरमाया करते थे कि खौफ और रजा बिल्कुल एक जितने होने चाहिए और अगर एक भी गालिब आ जाए दूसरे पर तो अपने साहिब को यानी उस इंसान को ये चीज़ हलाक कर देती है फिर कुछ और ये कहते हैं कि इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक परिंदा और उसके दो पर हैं अगर तो वो अपने दोनों परों को नीचे कर देगा ठीक है तो वह गिर जाएगा ज़मीन पर और अगर वो एक पर उड़ाएगा और दूसरा पर को फ्लैप ही नहीं करेगा तो भी वो पूरी तरह से उड़ नहीं सकेगा तो खौफ और उम्मीद दोनों परिंदे के दो परों की तरह हैं बिल्कुल एक बराबर होने चाहिए परिंदा दोनों को बिल्कुल एक तरह से रखता है तब वो हवा में उड़ पाता है ठीक है फिर उलमा ये भी कहते हैं कि इसमें सिचुएशन टू सिचुएशन भी वेरी करेगा किसको आप खौफ दिलाएँ किसको आप उम्मीद दिलाएँ हर इंसान को आप हर वक्त दोनों चीज़ें नहीं दिला सकते मसलन अगर आप किसी मरीज़ के पास जाते हैं तो वहाँ आपकी बात जो है वो उम्मीद से भरपूर होनी चाहिए ताकि उसकी अगर मौत वाकई होती है उस मर्ज़ से तो वो अल्लाह ताला से हसन व्ला के साथ वो दुनिया से जाए क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तलकिन फरमाई है कि तुम में से हर एक मरे तो इस हाल में कि वो अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखता हो और इसी तरह अगर किसी सही सलामत सेहतमंद तंदरुस्त इंसान को ज़िंदगी की रूटीन में ऐसे गुम हुआ हुआ देखे तो उसको खौफ दिलाए ताकि वो मासीत से पलट कर अल्लाह ताला की तरफ आए तस्कीर करे उसकी याद दहानी कराए आए उसको फिर इसी तरह से बाज़मा ने कहा है कि अगर आपके जहन में कोई नेकी की बात आती है ठीक है तो फिर आपके साथ ही साथ दिल में उम्मीद भी जागनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसको आपसे कबूल फरमाएगा और अगर आपके जहन में आपके दिल में कोई इरादा उठता है मासीत का नाफ़रमानी का तो फिर आपके दिल में अपने अंदर खौफ उजागर करें अपने दिल में खौफ को जगाएं ठीक है क्योंकि अगर आपने नेक काम में साथ साथ आप इस तरह खौफ के रहे नरगे के अंदर तो फिर आप कर नहीं सकेंगे उस एक काम को और अगर आप मासीत में भी उम्मीद ही उम्मीद लिए रहे तो फिर आप उस मासीत को छोड़ नहीं सकेंगे قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني محمد بن ابراهيم التيمي قال حدثني عروه بن الزبير قال

बीना रसूल सल्ह वसलम इस असना में कि रसूल ससली बिफिनकबा काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे काबा के सहन में इस अकबला जब आगे बढ़ा उबन अबी मैतन अक़बा बिन अबी मत फ़अज अभी मन की भी रसूल अल्लाह वसम तो आप सल्ला वसलम का शान मुबारक पकड़ा व लवास उबहू फ़ी उनकी ही और आपकी गर्दन में अपना कपड़ा लपेट दिया फ़न ख़ु ख़न ख़न शदीदन और बड़ी शिद्दत के साथ बड़ी सख्ती के साथ आपका गला घूटने लगा फ़अबला अबू बकर तो आगे बढ़े अबू बकर फ भी मन की भी ही तो उन्होंने उकबा जो है उसका कंधा पकड़ा व दफ़ा रसूल عليه वसम और उसको हटाया रसूल अल्लाह सल्ला वसम के पास से वाला और कहा अ तख़्तुलून रजुलान यक़ूल रबी अल्लाह वक़द जाकुम बिल्बय थी मे रबी कुम क्या तुम एक ऐसे आदमी को कत्ल कर देना चाहते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है जबकि वो तुम्हारे रब के पास से अपनी सच्चाई के लिए रोशन दलाइल भी लेकर आया है अब यहाँ पर इमाम बुखारी रहमहुल्ला ने हदीस के ऊपर कोई उनवान कायम नहीं किया सिर्फ चंद मुश्किल अल्फाज की लुगवी तशरी के बाद यह हदीस बयान की है और ये आप सब के इल्म में होगा माशाल्लाह आप सब कुरान पढ़े हुए हैं कि इस सूरह मुबारक में एक मर्द मोमिन का जिक्र है कि जो फिरौन के दरबार में था और उसने अपना ईमान ज़ाहिर नहीं किया हुआ था और यह भी क़ुरान के बयान ही से पता चलता है कि वो फ़िरौन के ख़ानदान ही का एक फ़र्द था लेकिन जब फ़िरौन ने अपने दरबारियों से कहा कि मैं मूसा को कत्ल करने लगा हूँ तब इस मर्द मोमिन ने अपने ईमान का इज़हार किया और कहा क्या तुम उसे सिर्फ़ इस बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है हालांकि वो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलीलें लेकर आया है तो अब आप देखिए कि हदीस का जो वाक़ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आ रहा है और मर्द मोमिन का वो वाक़ जो है उसमें बहुत मुमासिलत है लेकिन हमारे जो हैं वो ये कहते हैं कि अबू बकर आल फ़िरौन के मर्द मोमिन से अफजल हैं क्योंकि वो अपना ईमान छुपाए हुए था जबकि अबू बकर खुल्लम खुल्ला अपने ईमान का उस दौर में इजहार कर रहे थे जब उसका मतलब होता था कि आओ और मुझे मारो और मारें खाई हैं एक दफ़ा उनके जो लोग हैं उन्होंने समझा कि ये वफात पा गए हैं इतनी मार खाई उन्होंने काबा के सेहन के अंदर कुरैश ने उनको मारा और फिर यह है कि जो आले फिरौन के मर्द मोमिन ने जो दिफा किया है मूसा का वो जबानी किया है सिर्फ जबकि अबू बकर ने अपने हाथों से भी उकबा बिन नबी मैद को पकड़ा है और हटाया है और इसके अलावा भी एक मरतबा जब हजूम कर आए थे ये कुरैश तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैं खड़ा था और काश कि मैं मदद कर सकता आप उस वक्त लेकिन मैं नहीं कर सकता था छोटे भी थे उनका ना वो कोई उनका वहाँ पे कुंबा कबीला नहीं था ना वो सरदारों की स्टेटस के अंदर से थे और सिर्फ देख रहे थे और अबू बकर आए और वो एक को धक्का दिया एक को पकड़ के पीछे किया किसी को सीने पे मारा और पीछे किया हाथों से और किसी को बातों से और सब को हटाया नबी अलैहि वसल्लम के पास से तो रसोल्ला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह की प्रोसिक्यूशन बर्दाश्त की है और जिस तरह फिर इन्हीं लोगों के आप अलैहि वसल्लम फिर भी सच्चे ख़ैर ख्वा रहे हैं ये है एक आ, ऐसे इंसान की तबीयत और ऐसे इंसान की नेचर कि जो वाकई अल्लाह के दीन का दाई है जो वाकई में अल्लाह के दीन का दाई है उसको किसी इंसान से नफ़रत नहीं होगी वो हमेशा चाहे कोई कितनी भी ज़्यादती कर लेगा तो वो यही कहेगा कि ये मेरे लोग हैं ये बात को समझते नहीं हैं ये जानते नहीं हैं और बिल आखिर आप देखें कि यही लोग थे इनमें से कुछ तो बदर में मारे गए कुछ को अल्लाह ताला ने नसीब नहीं की उससे पहले मर गए बाकी कितने लोग थे कि जिनको अल्ला ने इन्हीं में से इन्हीं में से हिदायत दी है और ये जो इतनी शदीद जो गर्दन की वो थी ना घुटन आप देखें कि ये सबसे ज़्यादा एक इंसान को तंग करती है और परेशान करती है अच्छा अब आयत को भी देख लेते हैं अत्तुलून रजुल यक़ूल يقول अल्लाह वक़द जाकुम बिलबय नाती मब्बी कम क्वेश्चन है ना कि क्या तुम कत्ल करते हो एक ऐसे आदमी को जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है तो इसको कहते हैं इस्तफाम इनकारी ठीक है ये डांट के लिए और इनकार के लिए है कि तुम ये कैसे कर सकते हो तुम ये नहीं कर सकते ठीक है तुम ये कैसे कत्ल कर सकते हो एक ऐसे इंसान को कि जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और दूसरी बात ये कि उसने तुम पर भी एहसान किया है कि तुम्हारे पास वो तुम्हारे रब की तरफ से ऐसी वाज आयात लेकर आया है जिसमें तुम्हारे लिए सादत है तो अपने ऊपर एहसान करने वाले को तुम ये सलूक करते हो ठीक है तो वो अपनी जात में भी साले हैं और दूसरे के लिए भी मुसले हैं यानी अपनी जात के लिए साले वो कहते हैं कि मेरा रब है दूसरे के लिए मुसले वक़द जाकुम बिल्बइ्यनाथ ही मे रब तुम्हारे लिए बइ्यनाथ लेकर आया है तो क्या उसका ये हक है कि उसको कत्ल कर दिया जाए तो ये एक आ, वो है आ, तरीका इंतहाई इनकार इंसान क्वेश्चन के तरीके से इनकार करे फिर ये भी पता चलता है कि जो ये सूर मोमिन है ये नाजिल हो चुकी हुई थी इस दौर तक मक्का के इस दौर में मक्की दौर की सूरत है ना और नाजिल हो चुकी हुई थी कि तब उन्होंने बकर सिद्दीक रदील्ल ने वही आयात पढ़ी हैं कि जो मर्द मोमिन ने पढ़ी थी सूरत हामीम असजद बसमिल्र रहीम इसको सुरफ़ुस्सलत भी कहा गया है वक़ालतावूसन अनिबन अब्बास इतिया तो अव कर हन आती क़ालत तो इीन आ ने इबन अब्बास रजी से नकल किया ए तो कर हन के मानी है आतिया यानी तुम दोनों आसमान ज़मीन इतात कबूल कर लो क़ालतातैना तीन के मानी हैं आक़ैना यानी उन दोनों ने कहा हमने ब खुशी इतात कबूल कर ली यानी करनी तो तुमने है ठीक है, ताला है। ये अल्लाह ताली का कलमाए कन है यह तकवीनी हुक्म है कि तुम अल्लाह ताली की इतात करोगे अब यह तुम्हारे ऊपर है ख़ुशी खुशी करते हो या नाखुशी करते हो तो उन्होंने कहा नहीं हम तो ख़ुशी खुशी करेंगे

मालूम होता है अब ये बड़ा एक अदब से एक सवाल किया था उस आदमी ने समझने की खातिर तो समझने की खातिर सवाल किया जा सकता है कला पहली बात उसने कही फ़ला अनसा बबई न हम यौ मला एक जगह पे अल्लाह सुबह व फरमाते हैं कि जब सूर में फूंक दिया जाएगा तो उस दिन ना तो उनके दरमियान रिश्ते रहेंगे और ना वो बाहम एक दूसरे से पूछेंगे ये सूरतमिन की आयत नंबर 101 है और दूसरी तरफ अल्लाह सुबहाना फरमाते हैं व अकबिला यलूँ के वो एक दूसरे की तरफ़ रुख करके पूछेंगे और यानी सवाल तो करेंगे तो इन दोनों आयत में बज़ाहिर तो कॉन्ट्रडिक्शन है पहली आयत में सवाल ना करने की बात है दूसरी में है कि बाहम सवाल करेंगे अगली बात वलायम अल्लाह हदीसा अनसा फ़ोटी टू वो अल्लाह ताली से कोई बात नहीं छुपा सकेंगे फिर अल्लाह ताली फ़रमाते हैं रब बिना माँ कुन्ना मशरकिन के वो कहेंगे हमें अपने रब की कसम हम कभी मशरक़ ही न थे अला नाम ट्वेंटी थ्री फ़क़द कतम फी हाद हिल आया तो इस आयत में तो वो अपना मशरक़ होना छुपा रहे हैं अल्लाह से तो पीछे ये फरमाया जा रहा है कि वह अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे तो ये मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या है फिर उसने कहा अब ज़रा उसकी गौर फ़िक्र भी बंदे की देखिए कुरान के अंदर वकाला उसने कहा अमित समा उ इला इलाक ही दहा अन्नाजियात ट्वेंटी सेवन टू थर्टी कि अल्लाह सुबहान ये फ़रमान कि क्या तुम्हारा पैदा करना ज़्यादा दुशवार है या आसमान का और आ, उसने इसे बनाया उसकी छत को ऊंचा किया फिर उसकी नोक पलक को दुरुस्त किया उसकी रात को तारीख बनाया और उसके दिन को निकाला और उसके बाद ज़मीन को बिछाया ठीक है फ़ाक्रा खलक समबिला खल़िल अर्द तो इन आयत में आसमान का पैदा करना ज़मीन के पैदा करने से पहले ज़िक्र फरमाया है ثم मक़ाला फिर फरमाया एक और जगह पर अन् न कुमल तक फ़ुरून बिल लजी ख़लर्दी तो फिर हामिम सजदा में इरशाद बारी ताला है क्या तुम उस जात का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को दो दिन में पैदा किया फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जबकि धुआं धुआँसा था फर्मा बरदार बनकर यानी फिर उन्होंने कहा कि हम फर्मा बरदार बनकर आते हैं इन आयत में ज़मीन का पैदा करना आसमान के पैदा करने से पहले ज़िक्र फरमाया है तो इनमें भी बज़ाहिर कॉन्ट्रडिक्शन मालूम होता है तआला और अल्लाह ताला का ये फ़रमाना वकान वकानल्ला ग़फ़ूर रहीम अनसा नाइन्टी सिक्स अजीज़न हकीम फ़िफ्टी सिक्स समी अम्बीरा फिफ्टी सेवन फ़क अनहू कान मदा इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह हमेशा से बेहद बख्शने वाला नहाय मेहरबान था अल्लाह ताला हमेशा से सब पर गालिब कमाल कमालिकमत वाला था अल्लाह हमेशा से सब कुछ सुनने वाला सब कुछ देखने वाला था काना यानी था इन आयात के मज़मून से तो ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ज़माना माजी में इन सिफात से मुतसफ़ था अब नहीं है ठीक है तो इब्ने अब्बास ने जवाब दिया उस बंदे की बात का फ़ला तो इब्ने अब्बास ने फरमाया फ़ला अनसाबा बम के उनके दरम्यान कोई रिश्ता नहीं रहेगा

इंदज़ा लिखा वला यतसाअलूँ और वो उस वक्त एक दूसरे से कुछ भी नहीं पूछेंगे सुम्मा सफिन नफ़त आखिरा और जो दूसरी आयत है कि वो एक दूसरे से पूछेंगे तो वो होगा कि जब दूसरी दूसरी दफ़ा सूर में फूंका जाएगा तो फिर उनका ये हाल होगा व अकबिलाबाद हम अला बद यत ठीक है ना पूछना नफ़ा अव्वल के बाद है और بوتشنا نفخاي سانيا كباته. وأما قوله ما كنا مشركين، ولا يكتمون الله فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين، فختم على أفواههم وتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا، व इन दहू यवलन केफ़रू अया सूरतुल्जर आया नंबर टू मश्रक का ये कहना कि हम मशरक न थे और दूसरी आयत में है कि वह अल्लाह ताली से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे तो बात दरअसल ये है कि अल्लाह ताली क्यामत के दिन ख़ालस अहल तोहद के गुना माफ़ कर देगा तो मशर्क आपस में कहेंगे कि आओ हम भी दरबार इलाही में ये कहें कि हम मशरक नहीं थे ताकि हमारे गुना भी माफ़ हो जाएं यानी बड़े से बड़ा गुनहगार अहले तो भी जब माफ़ हो जाएगा ना तो ये कहेंगे कि चलो हम भी यही कहते हैं फिर अल्लाह ताला उस वक्त उनके मुंह पर मोहर लगा देगा और उनके हाथ पांव बोलना शुरू कर देंगे उस वक्त मालूम होगा कि अल्लाह ताला से कोई बात नहीं छुपाई जा सकती और उस वक्त काफिर तमन्ना करेंगे कि काश वो दुनिया में मुसलमान होते यानी मुंह पर मोहर लगने से पहले कितमान और हाथ पांव की गवाही के बाद अदम कथमान कथमान यानी छुपाना तो मुँह पर मोहर लगने से पहले तो वो कहेंगे कि हम तो मशरक़ी नहीं थे ज़बान से जो मर्ज़ी कहते रहें और जब हाथ पांव गवाही दे देंगे तो फिर उस वक्त वो छुपा नहीं सकेंगे कोई भी बात अल्लाह ताला से लिहाजा इन आयत में भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है व ख़ल़ अलअर्दफ़ी यौमैनी अमसमाफ़्वान्नफ़ी यौमैनी आ खरइनी सुम दलअर्द वहाजमिन वलमर आ व खलक अल्जबा अवल जमाल अवल आका वमाबैन हुमाफ़ी यौमैनी आ खरइनी फ़जा अली क़लहू दहा सुबहानल् इबन अब्बास भी फिर हब्र लुमा यूही तो नहीं थे इरसाद बारी ताला है कि उस अल्लाह ताला ने ज़मीन को दो दिन की मक़दार में पैदा किया उसमें सिर्फ़ पैदाइश का ज़िक्र है उसके फ़ैलाने का ज़िक्र नहीं है फिर आसमान की तरफ तवज्जो दी और दूसरे दो दिन की मकदार में उसे दुरुस्त किया उसके बाद ज़मीन को फैलाया पैदा पहले किया है फैलाया बाद में है ठीक है और उसका फैलाना ये है कि उससे पानी और घास निकाला पहाड़ों ऊंटों और टीलों को पैदा किया और जो कुछ ज़मीन व आसमान के दरमियान में है उसे दूसरे दो दिनों में पैदा किया ज़मीन को फैलाने से यही मुराद है यहाँ पर यह जो है न सु मस्तवाई इस्तवा इसवा ये अरबी लगत में चार तरह इस्तेमाल होता है इस्तवा ठीक है नंबर एक इसके साथ इला आता है इस्तवा इला नंबर दो इसके साथ इस्तवा आला आता है आइन के साथ नंबर तीन इसके साथ वाओ आता है और नंबर चार ये अकेला आता है जब ये इला के साथ आए सम मस्तवा जब ये इला के साथ आए तो इसका मानी होता है कसद और इरादा जिसको हम उर्दू में जब तर्जुमा करते हैं तो हम कहते हैं फिर मुतवज्जे हुआ आसमान की तरफ जबकि वो धुआँ था वही या दुख़ान फिर इसी तरह अलबकर में भी आता है सुम मस्तवा फाउस समावत फिर वो आसमान की तरफ मुतवज हुआ और उन्हें सात आसमान बनाया अगर अला के साथ आए आइन के साथ तो इसका मानी होता है अल्लाह का कालु अल्लाह की बुलंदी और उसका अर्श पर मुस्तवी होना अगर ये वाओ के साथ आए तो इसका मानी होता है अल मुसावात, बराबरी जैसे अरबी में कहते हैं वल खशब पानी और लकड़ी एक हो गए और अगर अकेला आए इस तवा उसके साथ कोई और वो ना आ रही हो कोई और क्लू ना आ रहा हो तो इसका मतलब है कमाल तक पहुंचना वलम्मा बलग शुद्ध हु वस्तवा ठीक है कि जब वो अपनी जवानी को पहुंचा और कमाल को पहुंच गया आगे देखते हैं व़लहू ख़ल अल अर्द फ़ी यौमैनी फ़जॉलतलर्दु वमाफ़ीहा फ़ी अरबाद अयामिन व खुलतमावातफ़ी यौमीन इसका मतलब यह है कि ज़मीन को दो दिन में पैदा किया और ज़मीन की दीगर चीज़ें उसके बाद दो दिन में पैदा की गईं गोया ये सब कुछ चार दिनों में तैयार हुआ और आसमानों को दो दिनों में पैदा किया नफसे ज़मीन की तख्लीक़ आसमानों की तख्लीक से पहले है और अर्द यानी ज़मीन का फैलाना आसमान की पैदाइश के बाद वाक़ हुआ है लिहाजा इन आयात में कोई इश्क़ाल नहीं है वक़ान अल्लाह ग़फ़ूरा सफसालिक्क वजालिकू आई लम यज़ल कालिक फ़ाल्लाम युरिद शैन बिहिल्लज़ी अरादा फ़लायलफ़ अलीकल क़ुरान फ़ा नकमदिल्ला फिर वो अल्लाह ताली की जो सफ़ात में उसको इश्काल हो रहा था तो इबन अब्बास रदीला नुमा ने उसे समझाया वकान अल्ला गफ़ूरा यानि इन आयात में अल्लाह ताल ने अपनी को बयान किया है और अल्लाह की सफ़ात अजली हैं हमेशा से हैं और अबदी हैं हमेशा तक रहेंगी और अल्लाह ताला जो चाहता है उसे हासिल कर लेता है मतलब ये कि अल्लाह ताला की सिफात कदीम है मगर उनका मखलूक के साथ ताल्लुक़ हादिस होता है यानी जैसे जैसे मखलूक उस, उसकी मारफ़त हासिल करती है तो उसको पता चलता है कि अल्लाह ताला हाँ, अल्लाह ताला तो गफ़ूर रहीम है ठीक है तो हमेशा से गफ़ूर है और हर दौर में हर इंसान के लिए और रहीम है अब देखिए जैसे हम कहते हैं फलां बंदा उसने ये काम किया हाँ वो तो हमेशा से ही ऐसा है ठीक है वो तो पहले भी ऐसा ही था तो उसका पहले भी ऐसा ही होने का ये मतलब तो नहीं है कि वो अब ऐसा नहीं है तो उन्होंने फ़रमाया कि इस वज़ाहत के बाद अब तो कुरान में कोई इख्तलाफ़ नहीं है क्योंकि ये सब आयात अल्लाह की तरफ़ से नाजिलशुदा हैं ऐसे हालात में इख्तलाफ़ क्यों कर हो सकता है حدثنيه يوسف بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بهذا يعني ایک اور امام بخاري یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں آه سند وقال مجاهد لهم أجر غير ممنون مجاهد نے لهم أجر غير ممنون میں ممنون کے معنی محسوب ہیں يعني ہیں یعنی اجر اقواتها अर्जा कहा अकवाता की मानी है उसकी ग़ाएँ फ़ीकुल्सम इन अमराहा मिम् अम्र बी फ़ीकुल्लीसम इन अमरहा में अमरहा से मुराद जिस चीज़ का भी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया नसातिन मशाजीमा, नखिसात के मानी है मनहूस और नामुबारक व्यद ना लहम आ वैयद नहम कुरना आ हमने उन साथियों शयातीन को उन कुफ़ार के साथ बांध दिया है ततनजलमलाई का इंदलमाऊ थी फ़रिश्तों का नज़ुल मौत के वक्त होता है एहतजत बिन नबाती। थी के मानी है वो ज़मीन सब्जे से झूमने लगती है और लहलाहा उठती है वरबत इरतफ़ात और रबत के मानी है फूल जाती है उभर आती है من أكمامها حين تطلع من أكمامها جبل پھل سے نکلتے ہیں ليقولن هذا لي أي بعملي أنا محقوق بهذا ليقولن هذا لي يعني میرے نیک کاموں کا بدلہ ہے, اور یہ میرا حق ہے سبحان الله وقال غيره سواء للسائلين مجاهد کے علاوہ نے کہا सवा असाअलिन है क़दर सवा यानी उस ज़मीन को सब मांगने वालों के लिए यकसां रखा है फ़दई ना हम यकसा रखा है से मुराद है यानी सब फ़ायदा उठा सकते हैं सब उससे उसब्रत हासिल कर सकते हैं फ़हदई ना हूँ दलल ना हम अल खैरी वर्री क़ौल ही व हदई ना हन् नजदीन व कौली हदई ना हुसबीला वल हदल्लि अरशादु बि मंजिलती असअनाहू मंजाका कऊलुह उला इकहद्लाु फ़बी हदाह मुकद फ़हदई नाहम के मानी हैं हमने उनकी खैर व शर के लिए रहनुमाई कर दी जैसा कि दूसरी जगह है वहदयी नाहजीन यानि उसको खैर और शर के दोनों रास्ते बता दिए और जैसा कि हदय सबीला में है हमने उसे खैर शर का रास्ता बता दिया लेकिन हिदायत के वो मानी जो मतलूब मंजिल तक रहनुमाई के हैं उसके लिए इरशाद बारी ताला है कि ये वो लोग हैं जिनकी अल्लाह ताला ने रहनुमाई की बस आप भी उनकी रहनुमाई की इक्तदा करें यू जऊना युकफ़ूना के मानी हैं वो रोके जाएंगे मिन अकमाम

मम मखीस ये हासा अनहू से माखूज है और हासा अनहू के मानी है जाना अलग हो जाना मरीतन व मरीतन वादिदुई इमतरा मरियतिन मीम के कसरा के साथ और मरीतन मीम के दम्मा के साथ दोनों के एक ही मानी है शक्म में पड़ जाना वकाल मुजाहिदन मुजाहिद एमलुमाश तुम अलवाद और मुजाहिद ने कहा ये मलू माश तुम ये वईद है यानी डांट है कर लो जो करना है अब तुमने वालबन अब्बासन बिल्ली अहसन असबरंदबी वफ़ वंदाअती फ़ फा इज़ाफ़ आलूहू असम वम का वल्युन हमीम इबन अब्बास रदीमामां ने फ़रमाया बिल्ली अहसन से मुराद ये है कि गुस्से के वक्त सब्र करो और नागवारी के वक्त माफ़ कर दो जब लोग सब्र आफु से काम लेंगे तो अल्लाह ताला उनको महफूज रखेगा और दुश्मन भी उनके साथ आजिज़ होकर उनके दिली दोस्त बन जाएंगे कुछ ना कुछ जो है वो सर तो इंसान का थोड़ा सा घूम जाता है और हमारे तो इल्म का जो सुपरफिशल होना है वो मुझे किताब व पढ़ने से इतना ज़्यादा समझ में आया है कि ये अलफ़ाज जिनको हम कितनी दफ़ा कुरान में पढ़ चुके हैं और किस तरह इनकी कैसे कैसे गहरे मानी और कैसी कैसी वसत है इस सारी किताब के अंदर अच्छा थोड़ा सा हम इन अल्फाज को दोबारा भी देख लेते हैं कुछ चीज़ें देख लेते हैं अच्छा यहाँ पर जो सबसे पहले जो लफ्स आया है गैर उमनू यानी गैर उमनून का मानी है नंबर एक वो कभी ख़त्म नहीं होगा और नंबर दो उसका कोई हिसाब नहीं होगा कि कितना तुमने खाया कितना ना खाया ठीक है और इसके लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है जन्नत के सारे अजर और सारी नेमत नेमत और ज़िंदगी की इतनी ऐश कि ये जो जजा मिल रही है ये हमारे अमल के एवज़ नहीं मिल रही अमल सिर्फ उसका सबब है कि हाँ थोड़ा इसने किया बाकी सारी की सारी अल्लाह ताला की कदरदानी और अल्लाह ताला का फजल है जिसके ज़रिए से हम अजर गैर ममनून को पहुंच जाएंगे इनशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमायाद ख़िलादम अमल जन्न तुम में से किसी का अमल उसको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा लोगों ने पूछा आपको भी नहीं या रसूल अल्लाह फरमाया हाँ नहीं मुझे भी नहीं इल्ला अला कि अल्लाह ताला मुझे अपने फजल और रहमत से ढांप ले और इसके बावजूद अल्लाह सुबहान व ताल हमें यही फरमा देते हैं व तिल कल जन्नतुल्लती रिस्तु मूहा ये वो जन्नत है जिसका तुम वारिस बनाए गए हो बीमा कु तुम तामलून वजह जो तुम अमल करते हो और ये जो बा है ना यहाँ पर ये इवज़ का नहीं है ये है सबब का कि हाँ अमल किए थे तुमने इवज़ कोई नहीं दे सकता जन्नत की इतनी बड़ी बड़ी कीमतें नहीं कोई भी अदा कर सकता इस टेंजिबल दुनिया में हम एक प्लॉट नहीं खरीद सकते जो हमारी रेंज से बाहर हो कितने कितने लोगों बेचारों की सारी सारी जिंदगियां गुजर जाती हैं और वो जमा नहीं कर पाते और कहाँ ये कि वहाँ सुबहान अला वी हमद ही सुबहान अल्लाजीम पढ़ने से एक दरख्त लग रहा है कहाँ ये कि आप दिन में बारह रकतें सुन रातबा की पढ़ लें तो घर बन रहा है तो ये इवज़ नहीं है कीमत नहीं हम अदा करते ये गैर ममनून अजर हमारे अमल के सबब से कि जितना भी किया है ठीक है काफ़ी है ये अल्लाह ताला वो जो दुनिया में कोई हमने कुछ किया कोई एहसान किया किसी के ऊपर तो उसका बदला देते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से जब बदला मिलता है तो वो फिर मल्टीप्लाई होके मिलता है हल जज़ा उलहसानी अल एहसान इसी तरह इंसान में आता है इन नहाज़ा क्या नलकुम जजा व क्या नसा युम मशकूरा ये सारी जन्नत तुम्हारे लिए जजा के तौर पे है और तुम्हारी कोशिशों की कदरदानी की गई है बस हम कदरदानी के लेवल तक पहुंच सकते हैं अगर पहुंचे वरना इवज़ नहीं हम दे सकते हैं जन्नत का ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए एक मस्जिद में आप एक चिड़िया के घोंसले जितना भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो जन्नत में घर बन जाता है तो क्या ये इवज़ है जन्नत के घर का हरगिज़ नहीं फिर हिदायत की बात आई यहाँ पर फहदई ना हिदायत को भी समझ लीजिए कि हिदायत जो है ये दो तरह की होती है एक तो वो हिदायत कि जो अल्लाह ताला ने सब को दी और जिसमें के ये अपने जानवर भी शामिल हैं कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी है ठीक है कैसे ज़िंदगी गुजारनी है वो हिदायत अल्लाह ताला ने सब को दे दी दूसरी है हिदायत तौफीक और हिदायत तौफीक है नेकी की तौफीक हो जाना इंसान को नेकी की तौफीक हो जाना इंसान को तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा एहसान है इंसान के ऊपर कि उसको नेकी की तौफीक हो जाए उसको हिदायत आ जाए इस सूरा के जो वर्ड्स हैं जो अभी हमने देखे इनमें कुछ ना कुछ अभी एक्सप्लेनेशन मज़ीद बाकी है